बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पावर ऑफ एम्पैथी चैनल पर खुश आमदी। पावर ऑफ एम्पैथी चैनल लाइव सेशन जिसमें कि हम पेशेंट को अटेंड करेंगे और उसकी कैफियत सुनकर उसकी दवा तजवीज़ करेंगे। हमारे पास एक पेशेंट आए जो कि अभी यंग हैं, स्टूडेंट हैं और आईटी में शौक रखते हैं, छोटे मोटे टास्क वगैरह फ्रीलांसिंग वगैरह करते रहते हैं। तो इनकी कैफियत क्या है, किस तरह से है, इसको सुनते हैं और इस पर दवाई तजवीज़ करते हैं। आप तशरीफ़ लाएँ। आपका नाम? जवाद आरिफ। अच्छा जी, क्या मसला हो रहा है, किस तरह से कंप्लेन है आपको? बस ऐसा कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, खाने चक्कर आते हैं और के बाद खाने के बाद पेट दर्द शुरू हो गया। अच्छा ठीक है, पेट दर्द खाने के बाद होता है और चक्कर जो है वो खाने से पहले होते हैं। ठीक है, आप बहुत ज्यादा फ्राई चीजें तो नहीं खाते, फास्ट फूड वगैरह, बर्गर ये वो? कभी कभी खाता हूँ बाहर के, मतलब कि रात के टाइम, तो एक टाइम रात के टाइम खाता हूँ मैं, एक के ज्यादा नहीं खाती। तो आप बहुत ज्यादा मीठा खाने के आदि तो नहीं हो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह या इस तरह से केचप और इस तरह की चीजें? मैं नहीं खाता। ठीक हो गया। बाकी इसके अलावा सुबह उठते हो तो तबीयत अच्छी होती है? फ्रेश होती है। लेकिन नाश्ता करने की रूटीन ठीक है आपकी, नाश्ता करते हो कि नहीं करते हो? नाश्ता बिल्कुल खाता हूँ, एक बार दबा के खाता हूँ। नाश्ता खाने के बाद भी तबीयत खराब होती है? नाश्ते से पहले होती है, लेकिन बाद में फिर पेट में दर्द होता है। ठीक है। लो बैठो, मैं आपको दवाई लिख के देता हूँ। इनकी कैफियत आपने नोटिस की तो इनको पेट दर्द की कंप्लेन खाने के बाद और खाने से पहले, यानी खाली पेट जो है इनको थोड़ी शिकायत हो रही है। क्योंकि ये यंग हैं, इनकी एज 20-22 साल है, फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, साथ स्टडीज करते हैं, तो रूटीन इनकी अपसेट है, खाने के टाइम भी इनके यकीनन बिगड़े हुए हैं। हम इस दवा को तजवीज़ करने से पहले एक थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ गाइड करना चाहूँगा। पहले वक्तों में इंसान के खाने के टाइम एक तरह से फिक्स होते थे, यानी सुबह नाश्ते का वक्त भी, दोपहर खाने का वक्त भी और रात खाने का वक्त भी। लेकिन आजकल की इस तेज़ रफ्तार दुनिया में जहाँ बहुत सी चीज़ों में बदलाव आया, चेंजेस आई, तो एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे खाने की आदत में भी बहुत ज़्यादा बिगाड़ आ गया। अगर हम फास्ट फूड खाते हैं तो यकीनन हम फैट की एक्स्ट्रा क्वांटिटी और सॉल्ट की एक्स्ट्रा क्वांटिटी डाइट में ले रहे होते हैं। इसके अलावा आपने देखा कि इनके खाने से पहले सिम्टम खाली पेट तकलीफ के थे, लेकिन खाने के बाद इन्होंने बताया कि बेहतरी आ जाती है, लेकिन पेट दर्द थोड़ी देर रह के फिर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर इनकी हालत बहुत वाज़े तौर पर एनाकार्डियम की तरफ इशारा करती है। एनाकार्डियम एक ऐसी दवा है जिसमें खाली पेट तकलीफ़ों का बढ़ना बहुत वाज़े तौर पर पाया जाता है। एनाकार्डियम इनको हम एक हफ्ते के लिए देंगे 30 पोटेंसी में और साथ में रात सोते वक्त इनको नक्स 200 की एक डोज हम ऐड करेंगे। नक्स 200 इनकी रूटीन ख़राब होने की वजह से, गजाई बेतदाली की वजह से, और एनाकार्डियम इस बुनियाद पर कि इनको खाने से पहले तबीयत इनकी बिगड़ रही होती है और खाने के बाद कुछ हद तक इन्हें आराम आ जाता है। गो कि ये यंग है, लेकिन गजाई बेतदाली किसी भी उम्र में, किसी भी एज ग्रुप में, किसी भी प्रोफेशन के लोगों में बहुत आम पाई जाती है आजकल। तो एनाकार्डियम एक बड़ी अहम दवा है इस हवाले से। तो इंशाल्लाह इनका फॉलो अप मुमकिन हो सका तो ज़रूर दोबारा अपलोड करेंगे और इनको सेहतयाब होता हुआ होम्योपैथिक अद्वियात के साथ देखेंगे। हमारी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी सिलसिले में अगर आप इस तरह के मसाइल का शिकार हों तो आप भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। फ़ोन का कॉन्टैक्ट भी मौजूद है डिस्क्रिप्शन में और चैनल के ज़रिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम।